22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भाव प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। उससे पूर्व शहर भगवा में हो चुका है, श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। भागलपुर में आज मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर के नेतृत्व में अक्षत कलश व श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी के साथ भव्य शोभायात्रा निकली। रामसर हनुमान मंदिर से निकली शोभायात्रा पूरे शहर का भ्रमण किया। इस दौरान महिलाएं बच्चे डीजे पर श्री राम के गानों पर जमकर झूमे। भगवान श्री राम अयोध्या में पधार रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। तो रामसर में से यहाँ महावीर मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा, राम रथ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और हमारे अभिभावकगण, बच्चे, सभी लोग शामिल हो रहे हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहाँ अपने सगे पिता ही बेटी को किसी के हाथों बेचने का प्रयास कर रहे थे। ये बात मोबाइल पर सुनते ही बेटी अपने बुआ के घर फरार हो गई। युवती काफी डरी और सहमी हुई है। गौरतलब हो कि सुल्तानगंज के एक गांव के रहने वाली युवती ने अपने पिता के द्वारा यूपी के एक लड़का को बेचने ले जाने की बात होने पर किसी तरह घर से भागकर बुआ व फूफा के यहां पहुंचकर अपनी जान बचाई। मामला सुल्तानगंज थाना पहुंचा, लड़की ने अपनी आपबीती थाने में बताई। 24 तारीख को मेरे पिताजी मुझे बेचने के लिए बेच रहे थे, जिसके कारण हमको पता चला था। अपने फुआ और फूफा को फोन से कॉल किए तो हम किसी तरह घर से भाग के फुआ के पास चला है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश लोग घायल भी हुए हैं, जो मौका पाते ही अन्य वाहन से घटनास्थल से रवाना हो गए और छुटे हुए लोगों को भवानीपुर पुलिस अस्पताल पहुंचाया। हादसे के पीछे कारण बस चालक की आंख लग जाना बताया जा रहा है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसा जहां हुआ वहां लोगों की उपस्थिति थी और स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। हालांकि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। 4 बजे सर हुआ है। कितने लोग सवार थे बस में? इसमें 125 आदमी सर, कम से कम 125 आदमी था। और सबको मतलब कितना आदमी निकाला गया है, कितना आदमी शीशा तोड़ के निकाला है। ये घटना कब हुई है? ये अभी 4 बजे हुआ है। कहाँ से आप आ रहे थे? ये हम पटना से आ रहे हैं सर। पीरपेंती प्रखंड से खनन विभाग के द्वारा एक किसान की पिटाई का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित किसान अमरनाथ यादव का कहना है कि परिजनों के साथ अपने बेटी के ससुराल साहिबगंज स्थित महादेवपुर गांव जा रहे थे, तभी खनन पदाधिकारी के वाहन ने उनकी चार पहिया वाहन को ओवरटेक किया। इस दौरान काफी कहासुनी भी हुई। वही पीड़ित अमरनाथ यादव ने खनन विभाग के पदाधिकारी जयशंकर झा पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जबकि उन्होंने कहा कि खनन पदाधिकारी के अंगरक्षकों ने उन पर लाठी डंडे से प्रहार कर दिया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और अमरनाथ यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित पुलिस कप्तान आनंद कुमार से मामले में उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। कड़ाकुल से जा रहे थे महादेवगंज, साहेबगंज जिला महादेवगंज में, मेरा लड़की नानी के पास थी अपना, वहाँ पर जा रहे थे अपने लड़की को लाने के लिए। साधु मठिया के पास एकाएक एगो स्कॉर्पियो आगे से आके लगा के और उतार के हमको मारना शुरू कर दिए। बोले कि माइनिंग अफसर है साला, हमारे पीछे कर रहे तुम। हम बोले सर हम तो पहचानबो नहीं करते, हम जा रहे हैं महादेवगंज अपने लड़की को लाने के लिए, से हमको काहे मार रहे। एक बाइक, दो सिपाही था उसमें, राइफलधारी या 2 सिविल में थे। अब मारना स्टार्ट किए, मार के हमारा कपार फोड़ दिए, यहाँ बाएं पर चोट लगा, पूरा मार के कपार फाड़ दिए। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर,
ग्रामीण बैंक के नीचे हटिया रोड तिलका मांझी भागलपुर बिहार। कॉल करें 9431446600। रविवार को जमीनी पंचायत के दुर्गास्थान में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के द्वारा बताया गया कि वह हर वर्ष कंबल का वितरण करते आ रहे हैं। शीतलहरी ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 250 से 300 कंबल का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद नितेश निखिल, सौम्य आदर्श, अंकित राज, अजय कुमार, बाबूलाल मंडल, शुभम, राजीव गांधी, उमेश राम, वीरेंद्र राम, रुचि देवी एवं सैकड़ों भूमि परिवार के सदस्य व जरूरतमंद लोग मौजूद थे। ठंड को देखते हुए आज जमनी पंचायत के दुर्गा स्थान के समीप झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ भागलपुर की ओर से कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से 300 लोगों के बीच जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। ये उद्देश्य हमारा बस इतना है कि हमारी कोशिश लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और जरूरतमंद गरीबों के गरीब गुरबा जितने भी तबके के लोग हैं, ये प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है हम लोग के द्वारा, आगे भी होता रहेगा। मिस्टर एंड मिस फेस भागलपुर सीजन 5 का आयोजन शहर के एक स्थानीय होटल में किया गया। ये कार्यक्रम रुद्रांश सीने क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जज के तौर पर रवि सुधा चौधरी, केशव राधे, काजल रॉय एंड रियान सिंघानिया मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों को भाग लेने का मौका दिया जाएगा। शो के आयोजक साहिद स्मिथ ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा को राष्ट्रीय शो के लिए तैयार किया जाता है। ऑडिशन के बाद चयनित प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के ग्रूमिंग व ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही बिहार के अलग अलग शहरों से चयनित प्रतिभागियों से मुकाबला होगा। वहीं मिस्टर एंड मिस फेस भागलपुर सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले अप्रैल महीना में किया जाएगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष प्रतिभागियों के बेहतर करियर के लिए प्रोफेशनल सेलिब्रिटीज भी मौजूद रहेंगे, जिससे प्रतिभागियों को भविष्य में काफी अवसर भी मिलेंगे। मैं भागलपुर सेकंड रनर अप रह चुकी हूँ, तो बेसिकली मुझे इस शो पे एज अ गेस्ट बुलाया गया है, क्योंकि मैं जल्दी जाती नहीं हूँ किसी भी ऐसे शो पे, मॉर्निंग शो पे, बट शाहिद जी ने इतना प्यार से बुलाया और इतना अच्छा शो होने वाला है। पिछले 4 सीजन से मैं देख रही हूँ, ये शो सुपर हिट रहा है एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं यहाँ पे आई हूँ एज अ गेस्ट और मैंने बहुत इंजॉय किया। ये शो वन ऑफ द बेस्ट शो है मॉडलिंग के लिए भागलपुर में, सो आई वुड लाइक टू सी मोर थिंग्स फॉरवर्ड। शो की विनर रह चुकी हूँ मैं। आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी मॉडलिंग करना चाहते हैं, अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों के बाद भी बिल्कुल ना रहे, बिकॉज मॉडलिंग आपको आगे भी बढ़ा सकता है जब आप आगे बढ़ना चाहें, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। बिल्कुल मेरी तरह, मैं इस शो की जिस तरह से विनर हूँ, मैं भी पहले बहुत सी बातों में खुली पुली रहती थी, बट खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैं शो में आई, खुद को प्रूव की। आज यहाँ पे मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 5 का ऑडिशन चल रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट भागलपुर सिटी में साहेबगंज, बलवा, पूर्णिया, कटिहार, पटना, बांका, अलग अलग सिटी से यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास 60 कंटेस्टेंट हैं। ये इसका 5 सीजन चल रहा है और इससे पहले 4 सीजन हो चुका है, क्योंकि भागलपुर का वन ऑफ द बेस्ट मॉडलिंग शो जो है फेस ऑफ भागलपुर ये होता आ रहा है और पर ईयर ये चलता रहेगा।